बजे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरी बार कोरोना से कोई मौत नहीं, बीएसएनएल के उपकरणों की चोरी, उन्नति मोटर से 31 लाख की ठगी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। तीसरी बार कोरोना से कोई मौत नहीं, कोरोना की गंभीर स्थिति फिलहाल टल गई है। तीसरी बार कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। रविवार को 22 नए संक्रमित मिले, इनमें शहर के 17 और ग्रामीण क्षेत्र के 5 मरीज शामिल हैं। इससे नागपुर जिले में मरीजों की कुल संख्या 4,76,984 हो गई है, जबकि मृतक संख्या 9,025 पर डटी रही। वहीं रविवार को कोरोना के 69 मरीज ठीक होने से रिकवरी रेट 98.2% पर पहुंच गया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर से स्वास्थ्य विभाग को हैरान कर दिया था, अब संक्रमित और मौतों की संख्या कम हो रही है। नागपुर जिले में इस साल पहली ही बार 20 जून को कोई मौत नहीं हुई। इसके बाद 25 व 26 जून को भी किसी मरीज की जान नहीं गई। रविवार को 8,538 कोरोना जांच हुई, इस तुलना में 0.25% लोग पॉजिटिव आए। इससे पॉजिटिविटी रेट शहर में 0.23 और ग्रामीण में 0.35% रही। अब तक शहर के 3,27,237 और ग्रामीण के 1,40,997 सहित कुल 4,67,533 मरीज ठीक हुए। नागपुर जिले में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कोरोना के 77,000 से अधिक एक्टिव मरीज थे। 2 महीने बाद यह आंकड़ा अब 500 के नीचे आ गया है। रविवार को 426 एक्टिव मरीज थे, इनमें शहर के 379 और ग्रामीण के 47 मरीज शामिल है। तो वही दूसरी ओर बीएसएनएल के उपकरणों की चोरी। कामटे रोड स्थित नायडू अस्पताल के सामने भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड के पिलर कैबिनेट से विगत दिवस कॉपर वायर व दूरसंचार उपकरण चुरा लिए गए। इस कारण क्षेत्र की लैंडलाइन ब्रॉडबैंड लाइन ठप रही। निगम के अधिकारियों ने जांच में पाया कि कैबिनेट को तोड़कर अंदर लगे तार व उपकरण चुराए गए हैं। इसके बाद सदर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। सेवाएं प्रभावित होने के चलते निगम की टीम सुधार कार्य में जुटी और कुछ घंटों बाद सेवा बहाल की गई। तो वही तीसरी और उन्नति मोटर से 31 लाख की ठगी। उन्नति मोटर्स की महिला कैशियर से फर्जी रसीद बनाकर 31,44,000 की धोखाधड़ी की गई। कामटी मार्ग के उन्नति मोटर्स में आरोपी 28 वर्षीय महिला कैशियर के पद पर कार्यरत है। सितंबर 2020 से 24 जून के दौरान महिला ने ग्राहकों से नकदी स्वीकार की, उन्हें मूल रसीद देकर दूसरी रकम राशि की फर्जी रसीद बनाई, कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर में बदलाव कर कम जमा राशि, यह राशि क्रेडिट कार्ड से आना बताकर 31,44,000 रुपए की धोखाधड़ी की। उन्नति मोटर्स के GM विष्णु अग्रवाल की शिकायत पर कपिल नगर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।